मध्यप्राच्य उत्तेजना भितर शांतिर बार्ता देखते उत्तर प्रदेश में जड़े चित्रशिल्पी जुबैन खान चित्र आंकी लड़ई रोकवाक अपील करते अति आकर्षणीय चित्र में इज्राइल प्रधानमंत्री और ईरान सर्वोच्च नेता स्थान दीजिए जुबैन कहते अहंकार और प्रतिशोध जो हजार संख्यक निरीह लोकों जीवन जाऊँगी युद्ध रोकवा उचित और विश्व समुदाय एकाठी आग को आसी यही दिग्गर पदक्षेप नेवा जरूरी क्योंकि आजकल ईरान और इसराइल में जंग छिड़ी हुई है। उस संबंध में मैंने भारत की तरफ से एक शांति की अपील करते हुए एक चित्र बनाया है। इस 8 फीट के चित्र में मैंने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को, जिसमें ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, इसराइल के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, इन दोनों को एक बम के आकार में दिखाया है कि ये बम कभी भी फट सकता है और दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैं इन सबसे शांति की अपील करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो, जैसे परमाणु बम का एक खौफ है। उस संबंध में मैं चाहता हूं कि ये जंग रुके और सारी संसार इससे सुरक्षित रहे। मध्यप्राच्य उत्तेजना भितर शांतिर बार्ता देखते उत्तर प्रदेश में जड़े चित्रशिल्पी जुबैन खान चित्र आंकी लड़ई रोकवा अपील करते अति आकर्षणीय चित्र में इज्राइल प्रधानमंत्री और ईरान सर्वोच्च नेता स्थान दीजिए जुबैन कहते अहंकार और प्रतिशोध जो हजार संख्यक निरीह लोकों जीवन जाऊँगी युद्ध रोकवा उचित और विश्व समुदाय एकाठी आग को आसी यही दिग्गर पदक्षेप नेवा जरूरी क्योंकि आजकल ईरान और इसराइल में जंग छिड़ी हुई है। उस संबंध में मैंने भारत की तरफ से एक शांति की अपील करते हुए एक चित्र बनाया है। इस 8 फीट के चित्र में मैंने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को, जिसमें ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, इसराइल के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, इन दोनों को एक बम के आकार में दिखाया है कि ये बम कभी भी फट सकता है और दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैं इन सबसे शांति की अपील करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो, जैसे परमाणु बम का एक खौफ है। उस संबंध में मैं चाहता हूँ कि ये जंग रुके और सारी संसार इससे सुरक्षित रहे।